साथ मैं हूँ शहजादी कमल, और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सीज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल एक बारूक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, कलीमुल्लाह अल आशारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अच्छा सर, आज हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने आए हैं, और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये जो इतना लंबा सफ़र रहा है माशाल्लाह, ये तरक्की, ये जो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, अब वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम चूँकि आज बात करेंगे आपके माशाल्लाह इस मुकाम की, तो मैं जानना चाहूँगी कि वालिदैन ने तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सपोर्ट किया, वालिदैन के साथ साथ और किस किस ने सपोर्ट किया? जनाब, बात तो ये है कि एक इंसान इस समाज में जब पहला कदम रखता है तो वो ना चाहते हुए ना जानते बूझते किसी ऐसी जगह पर पैदा हो जाता है जिसमें उसका कोई भी हाथ नहीं। बिल्कुल जी। उसके बाद फिर माहौल उसको हर किस्म के मौके फराहम करता है जो उसको नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी तरह से सपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान के ऊपर मनफी असरात बहुत ज़्यादा डालती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा महमीस फराहम करती हैं। तो ये तो इंसानों के साथ होता है, और ये हम लोग पैदावार हैं इसी समाज की जी। और जो हमारा साउथ एशिया का समाज है ये बड़ा सपोर्टिव समाज है, इसमें फर्द, फैमिलीज, मोहल्ला, फिर शहर, उसके बाद फिर आपका मुल्क, ये सारी चीज़ें आपको गाह गाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करती। अब उसमें ये होता है कि अगर आपकी तालीम किसी भी हवाले से किसी बेहतर अंदाज से होना शुरू हो जाए तो फिर आपकी कामयाबी के बहुत से इम्कानात जो हैं वो पैदा हो जाए। बिल्कुल। अब हमने जिस शहर में पैदा हुए तो लाड़काने का शहर था, कदरे छोटा शहर था, वहाँ पर उस वक्त उस ज़माने में पापुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लोग एक दूसरे को जानते थे, मोहल्ले वाले एक दूसरे को जानते थे, शहर वाले इस हिसाब से भी जानते थे कि ये कहाँ का किस फैमिली का कोई शख्स है, फ़र्द है। तो ऐसे माहौल में तो ज़ाहिर है कि आपके ऊपर एक निगरानी रहती है। तो आप अगर कुछ भी गलत भी सोचना चाहें या कुछ गलत करना भी चाहें तो आपको पता होता है कि गली मोहल्ले में आपको लोग पहचानते हैं, आपके वालिदैन को जानते हैं, तो वो आप खुद ब खुद एक तरह से एक महफूज माहौल में आगे बढ़ते हैं। फिर अगर वहाँ पर आपको कोई थोड़ा सा किताब पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए तो ये आपके लिए और एक महमीज साबित होती है, फिर उस पर आप आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये इस किस्म की बातें हैं। फिर स्कूल अगर आपको अच्छा से मिल गया, उस ज़माने में गवर्नमेंट के स्कूल जो थे माशाल्लाह बहुत बेहतर थे, तालीम का मायार बहुत अच्छा था, टीचर्स पढ़े लिखे होते थे, और आप ये सोचें कि हमारे हाई स्कूल में से बहुत से टीचर्स जो हैं वो मुकाबले के इम्तिहान दे के फिर अफसर भी बनने लगे, तो माहौल ऐसा था पढ़ने लिखने वाला, तो स्कूल से भी हमें फ़ायदा हुआ। सही। तो उसके बाद फिर ये होता है कि जब आप पढ़ते हैं और आपको स्कूल में भी अच्छा माहौल मिल जाता है तो आपका जो होराइज़न है वो खुलता है। सही। वालिद साहब पढ़े लिखे हों और उनका काम भी पढ़ाई लिखाई के साथ हो तो और भी आपको फ़ायदा होता है, फ़ायदा पहुँचता है। तो वो स्ट्रेंथ जो आपकी है वो स्ट्रेंथ उसी पूरे माहौल की पैदावार से आप एक बहुत मजबूत ताकतवर शख्स बन के निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप ज़िंदगी में कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा गलतियां ना करें। सही। अच्छा सर, आपने बताया कि आपको घर, मोहल्ला, इलाका सब बहुत अच्छा मिला, लोग अच्छे मिले, तो ऐसे में लाड़काना का आज तो हर बच्चा लाड़काना को जानता है, इस शहर का नाम, और यहाँ पे आना जाना बड़ा लोग अच्छा समझते हैं, मज़ा आता है बेसिकली उन्हें जाने में, और वहाँ के लोग मेहमान नवाज भी बहुत हैं। अब जाहिर सी बात है एक ऐसे माहौल में पढ़ा लिखा बच्चा जब वो बाहर निकल रहा है तो वो थोड़ा सा एक दिमाग में होता है ना कि मैं इस फील्ड में जाऊँगा या मैं इस फील्ड में जाऊँगा, तो ऐसे में रिसर्च और ये सारी चीज़ें थोड़ा बोरिंग नहीं लगा आपको? भाई, इल्म तो जो है वो ताकत है। सही। इंफॉर्मेशन तो एक बहुत बड़ी कुव्वत है,
जो आपको अच्छे और सही फैसले करने में मदद देती है। तो वो इल्म की जो कैफियत है, वाकफियत है, इंफॉर्मेशन है, उसने तो जाहिर है कि आपके साथ अच्छा ही करना है। सही सही। और फिर तहकीक और तफ्तीश जो है उसमें एक बड़ा एलिमेंट जो होता है वो इंसान का अपना कुदरती फितरी एलिमेंट है। इंक्विजिटिवनेस जो है वो हर इंसान में होती है। तजस्सुस जो है होता है, बिल्कुल। और तजस्सुस जो है वो आपको कशांकशां लिए फिरता है ना, फिर आप चाहते हैं कि इसके मुतल्लिक भी मालूम हो जाए, चलो इससे आगे भी। और मज़े की बात यह है कि जितना आप पढ़ते हैं या जानते हैं तो उससे आप पर एक रम्ज जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से वाजे हो जाती है कि आप ये जान जाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आगे बहुत कुछ है। अच्छा, मैं साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताती चलूँ कि सर सिर्फ रिसर्च ही नहीं करते आए हैं, इन्होंने कुछ अफसाने भी लिखे हैं, और हम उसके हवाले से भी सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के अफसाने लिखे हैं, क्योंकि रिसर्च में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर हम अफसानों की बात करें तो उसमें फिर आके बहुत सारे फील्ड निकलती हैं, रोमानवी भी निकलते हैं, माशरती निकलते हैं, तो आपने किस तरह के अफसाने जो हैं उनमें आपका इंटरेस्ट था और आपने उसको लिखा? असल में जब लिखना आदमी कोई चाहता है तो वो कुछ कहना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो रूए सुखन होता है वो कुछ ज़्यादा लोगों की तरफ होता है, वरना वो गुफ्तगू आपसे अकेले में गुफ्तगू कर ले, दोस्तों से गुफ्तगू कर ले। बिल्कुल। तो जब आप चाहते हैं कि बहुत से लोगों तक ये बात पहुँचाए तो इसका मतलब है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही। ठीक है। तो जब हमें ज़रूरत कुछ कहने की हुई उस वक्त जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी घुटन की फ़िज़ा आ गई थी। सही। जनाब जाल हक साहब ने मार्शल लगा लिया था और उन्होंने एक बहुत ही दूसरे तरीके का जुल्म जो है समाज में रवा कर दिया, बहुत सी नेगेटिव किस्म की जो है वैल्यू सिस्टम को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, कवानीन पे खदगर लगने लगे। तो ऐसे में अब आप कुछ भी कहना चाहते हों तो आप कैसे कहेंगे? तो हमने लिखने की तरफ तवज्जो की कि वो जो घुटन महसूस हो रही थी उससे अपने आप को आज़ाद करने के लिए लिखा। उस ज़माने में फिर जाहिर है कि वो जो इस जो आप लिखेंगे वो तो छपनी तो थे नहीं, तो वो फिर साइकिलो स्टाइल हुई, फिर वो लोगों में तकसीम होती थी, लोग उस पर आपस में नशस्तें करते थे, बैठा करते थे। तो वो जो हमारा अदब है यानी अफसान में हमने रेजिस्टेंस को लिया। सही सही। हमने उस वक्त की जो ज्यादतियाँ थीं, जो जुल्म थे, जो इंसाफ के नाम पे जो कुछ हो रहा था और अमन आमा के नाम पे जिस किस्म की कदगने लगी हुई थी, उनके हवाले से हमने अफसाने लिखे थे। फिर उनका जहाज़ गिर गया, उसके बाद तो वो छप भी गए। पहले तो सिर्फ साइकिलो स्टाइल होते थे। सही सही सही। अच्छा, जब वो छप गए तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, फिर उनके तराजम भी हो गए, तो अंग्रेज़ी में भी तराजम हुए, उर्दू में भी। तो उससे ये हुआ कि उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी खासी हो गई, उसका जो कारीन की तादाद है वो बढ़ गई। सही सही। तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, जैसे ही वो फ़ज़ा ख़त्म हो गई लोगों ने गुफ्तगू करना शुरू कर दिया तो फिर हमने भी लिखना बंद कर दिया। अच्छा, वो आस्ता आस्ता रिसोर्सेज लोगों के बढ़ जाते हैं तो फिर हम आस्ता आस्ता लिखने की तरफ देखा जाए तो वैसे भी लोग कम हो गए। अच्छा, मैं साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताती चलूँ कि कलीमुल्लाह अशआरी साहब जो हैं ये सीज़ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, तो सर हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमें आप सीज़ पाकिस्तान के हवाले से कुछ बताएं। सिंध एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी, ये एक ग्रुप था जो उन दोस्तों ने मिल के बनाया जिनको शौक और जज्बा था अपने हेरिटेज के हवाले से उन इलाकों तक पहुंचना जहां पर वैसे पहुंचना मुश्किल होता है। हमें ये पता था कि जनाब पूरे पाकिस्तान में अगर आप सोचें तो पुरानी बस्तियां बहुत हैं, पुरानी आबादियां बहुत हैं, पुराने आसार हैं, कुछ ऐसे हैं जो ढके छुपे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत मशहूर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो बहुत मशहूर। लेकिन मोहनजोदड़ो के ही असर के बहुत सारे आसार ऐसे हैं जो आपकी आंखों से पोशीदा है। सही। और आप देखें कि जिस
वक्त को कहते हैं वो सिंधु वादी की तहजीब का ज़माना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे पूरी दुनिया रोशनास है, उसकी अगर आप देखें इंडिया में, भारत में साइट्स जो हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। सही, 400-500 की तो तादाद जो है वो 1975 तक थी। ओके, इतनी एक्सप्लोरेशन वहाँ हो रही थी। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने कभी भी अपने आप को एक बहुत एडवांस किस्म का डिपार्टमेंट नहीं साबित किया, तो उन लोगों के पास एक्सप्लोरेशंस बहुत ही कम थी। सालों में कोई एक्सप्लोरेशन का कोई स्टंट हो जाता था तो 2-4 साइटें नज़र आ जाती थी, तो हमारे नक्शे पे साइटें नहीं थी। उस वक्त हमने सोचा कि भाई हम पूरे पाकिस्तान की तवज्जो दिलाएं कि जनाब हमारे पास तहजीब तो हर गली और हर नुक्कड़ पे है, बिल्कुल हर गांव में है, हर गांव के साथ है, लेकिन वो क्यों जाहिर नहीं होती, क्यों नहीं उसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई जाए। तो ये जहन में रखते हुए हमने एक एक्सपीडिशन का अहतमाम किया, एक बहुत बड़ा एडवेंचर अपने सर लिया। वो कौन सा एडवेंचर था? वो था जी इंडस एक्सपीडिशन। हमने कहा कि जनाब हम रबड़ की 2 छोटी सी कश्तियाँ पकड़ते हैं और वो हम दरिया की मोजों में डाल देते हैं। सही, तो जहाँ से इंडस चल रहा है हमने कहा कि भाई उसी में आ जाते हैं, समंदर तक चले जाएंगे, एक महीना लग जाएगा। इस एक महीने के दौरान हमने पाकिस्तान टेलीविज़न से बात की उस ज़माने में, जूही का ये है कि हम तवज्जो अपने विरसे की तरफ दिलाना चाहते हैं और पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि हम विरसे की तलाश में हैं। सही, उससे फिर ये होगा कि आप हमारे इंटरव्यूज़ टीवी में चलाते रहेंगे एक्सपीडिशन के दौरान, तो लोगों के जहन में ये बात मुसल्लिम हो जाएगी कि हमारे पास बहुत विरसा है लेकिन उसको ढूंढ के उसको महफूज करने की ज़रूरत है, तो उससे ये फ़ायदा होगा। तो उन्होंने वादा किया कि जी हम आपके हर रोज़ कवरेज देंगे और हर रोज़ कवरेज प्राइम टाइम में देंगे। क्या बात है, यानी 9 बजे की खबरें। सही, उसी में आपका सिलसिला थोड़ा बहुत हर रोज़ होता रहे। सही, हमने उनको याद दिलाया कि जनाब असल में जो दरिया है उसके संग संग तो सड़क नहीं चलती। सही, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़क करीब से गुजरती है लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक सड़क नहीं मिलेगी, तो ये आपकी टीम को जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ अपना जो टाइम टेबल है वो शेयर कर लें, हम इंश्योर करेंगे कि जो करीब तरीन शहर होगा उसका जो प्रेस क्लब होगा हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्या बात है, अब आप पर है फ़र्ज़ है कि जब आप कहीं उतरें रात के लिए तो आप फिर बेशक खेमे लगा लें लेकिन आप जीप में बैठ के उधर तक पहुंच जाएं जहां प्रेस क्लब कोई करीब है। सही, तो इस तरह से तय हो गया और उन्होंने पूरा महीना ये कवरेज की। तो वो हमारा मकसद जो था, ये वो टीम थी जिन्होंने सीज बनाई। सही, तो उसके बाद से ये 89 की बात है, 1989, और उस वक्त के बाद से सीज ने कभी भी अपना काम बंद नहीं किया, तब से चल रहा है, तब से चल रहा है। और हम किसी भी रोल में रहे, समाज में किसी भी नौकरी कर रहे, किसी भी जगह पर काम किया, लेकिन सीज ने अपने एक्सप्लोरेशंस और डॉक्यूमेंटेशन और सर्वे का काम जारी रखा, ट्रेनिंग नौजवानों की इसी काम में करते रहे, प्रोग्राम छोटे छोटे ट्रेनिंग के, वर्कशॉप्स के, सेमिनार वो करते रहे। सही, उसके अलावा सीज ने फिर ये काम किया कि ज़िलों में हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ बनाने में मदद दी। ओके, कि ताकि एक न्यूक्लियस बन जाए, हर ज़िले में तकरीबन कोई ना कोई सेटअप होना चाहिए, लोगों में शौक हो, जज्बा हो, ख्याल हो, लिहाज हो, अपने वर्षे की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो इसमें यह था कि न सरकार की कोई मदद होती थी, सही,
न किसी और ऐसे ग्रुप की। ये था कि भाई दामे दरमे सुखने जो भी आपसे हो सकता है और जो भी मेम्बरान से हो सकता है तो वो करें। उसके अलावा फिर सीज ने पब्लिकेशन प्रोग्राम भी किया और इनकी एक मोतबर तादाद में किताबें भी इन लोगों ने शाये की जिसमें इसी किस्म का काम था, विरसे को बचाने वाला काम था। फिर इसी सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन में सीज ने मखतूतात के हवाले से भी सोचा कि भाई ये जो पुरानी किताबें लिखी जाती हैं हाथ से लिखी गई थी 200 साल पहले 400 साल पहले, तो ये भी लोगों के पास हैं, घरानों में मौजूद हैं, उसके उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। आस्ते आस्ते दुनिया बहुत तेज़ी से किसी और तरफ निकली चली जा रही है। तो फिर हमने कहा कि उन जगहों की निशानदेही कर दें कि भाई किन घरानों के पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इस किस्म के सर्वे भी किए, वो इन्फॉर्मेशन भी साथियों ने मिल मिला के किसी न किसी तरह से वो छाप भी दी, वो जब भी गई। और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे जो कलेक्शंस हैं किताबों की मखतूतात की, उसके हवाले से भी कैटलाग का एहतमाम किया कि चलो इसका कैटलाग भी छप जाए तो लोगों को पता चल जाए कि इल्म कहाँ पर पड़ा, कहाँ पर है। सही सही। तो सीज इस तरह से अपना काम जो है वह आज तक करती चली आ रही है। फिर सीज के साथ ये भी मामला हैं कि जब हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पुरानी इमारतें हैं या पुराने कब्रिस्तान या कोई पुरानी ऐसी मॉन्यूमेंट है, कोई यादगार है जो पूरी तरह से थ्रेटन्ड है, जिसको ख़तरा है, जो गिरने वाली है, जो टूटने वाली है या चोरी होने वाली है, तो वहाँ पर लम्हा भर रुक के फिर सोचते हैं कि इसका क्या करना चाहिए, क्या यहाँ कोई चौकीदार रखते हैं, क्या का क्या यहाँ के करीब के गांव वालों को इसमें कहीं से इन्वॉल्व कर दें, कुछ चार दरख्त उनको लगा के दे दें, उनसे मदद करें। सही सही। अगर वहाँ आम के दरख्त लगवा दिए तो ये होगा कि फिर आना जाना जो जो चौकीदार होगा उसको उसी दरख्त के फल मिलते रहेंगे, तो कम से कम ये होगा कि वो आदमी मौजूद रहेगा, मौजूद रहेगा तो चीज़ बची रहेगी। सही। ठीक है। फिर अगर कहीं पर देखा कि नहीं ये हालात बहुत ख़राब हैं, चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, अब इसमें सिर्फ हिफाजत की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। सही। तो फिर उसके लिए हमने मुख्तलिफ इंटरनेशनल लोगों को लिखा कि जनाब इसमें इस किस्म का ख़तरा है, तो अगर कोई किसी जगह से किसी मुकाबले से हमारा प्रोजेक्ट मुकाबले में प्रिवेल कर जाता था तो ग्रांट भी आ जाती थी, उस पर हम उसकी कंजर्वेशन कर लेते थे। सही सही। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट्स सीज ने किए हैं। सर सीज की जो लिस्ट है वो तो माशाल्लाह काफ़ी तवील है, लेकिन कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें, मुझे तो सुनने में लग रहा है कि सारे ही मुश्किल थे, लेकिन कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई हो? तो देखें, अब ये जो कंजर्वेशन है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टेक्निकल काम है। सही। उसमें होता ये है कि आप चीज़ों को ये सोच के करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर साइट को या मॉन्यूमेंट को या इमारत को खतरात क्या हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि उसका अहाता कर लेते हैं कि भाई इसको खतरात क्या हैं, कहाँ से हैं, तो फिर आप उन खतरात को कम करते हैं, ख़त्म करने की सही करते हैं। सही। तो समझने से फिर वो मुश्किल चीज़ मुश्किल नहीं रहती, बहुत आसान हो जाती है। अभी एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ। जी जी। यहाँ कराची में एक बहुत अच्छा इदारा है, स्कूल है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा इदारा। इन लोगों ने जब ये इदारा कायम किया था तो इनके वही अच्छे जज्बात थे, उन्होंने एक चीज़ अच्छी ये की कि पुरानी कारादर में एक इमारत थी, नौशरवान जी के नाम से एक बिल्डिंग थी, वो उनके मालिक वहाँ पर बिल्डिंग गिरा के अपनी एक नई इमारत बनाना चाहते थे, क्योंकि वो पुरानी थी और ज़ाहिर पुरानी इमारत तो अब जबूं हाल हो चुकी थी। तो इन्होंने जाके मालिक से वो सौदा कर लिया कि जनाब आप न तोड़ें, हम इसको डिसमेंटल करें और हम इसको क्लिफ्टन ले जाकर वहाँ पर रीअसेंबल करेंगे। सही।
तो उन्होंने कहा भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इसको रीअसेंबल कर सकें। कहा जी हम तो करेंगे, बस सौदा हो गया उनको। उन्होंने वहाँ से बिल्डिंग रीअसेंबली की, हर पत्थर पे नंबर लगाया, निशान लगाया, यहाँ पर आगे क्लिफ्टन में उन्होंने उसको रिस्टोर कर दिया, पूरी इमारत खड़ी कर दी। ठीक, ये बहुत अच्छा काम था और पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला काम था। ही थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन इत्तेफाक से जब ये काम इन्होंने किया तो उसमें कुछ चेंजेस आ गई। रीअसेंबली के दौरान कोई बेसिक तब्दीलियां की गई सिस्टम में। 20 साल के बाद उस इमारत को अब मसाइल शुरू हो गए। सही। अब वो पत्थर की खूबसूरत दीवारें जो थी, जो बाहर की तरफ अपनी एक शान शौकत के साथ जलवा रही कर रही थी, वही टूट टूट के गिरने लगी। ओ। बड़ी परेशानी हुई सबको, जाहिर है परेशानी हुई। उसमें जब उन्होंने उसकी तरफ चारों तरफ तवज्जो की, लोगों को बुलाया, पूछा किया, तो उसका कोई हल नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने फिर हमें इस चीज़ को का दावत दी। सही। तो हम लोग जब गए तो हमने इनसे कहा कि जनाब अगर इजाज़त हो तो हम इसकी पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। तो हमने एक एक ईंट को देखकर वो पूरे नक्शों के हिसाब से बना के उस पर निशान लगा दिए। फिर हमने कहा कि जनाब जो ये हमने डायग्नोसिस की है इससे हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स एरिया ये है, ये प्रॉब्लम्स एरिया है। अब अगर आप इजाज़त दें तो हम उसमें से किसी एक दो जगह को खोल के कन्फर्म भी कर दें कि जो प्रॉब्लम एरिया हैं उसका असल मसला क्या है। सही। फिर हमने उनको दो चार ईंटें निकाल के फिर उनको बताया कि जनाब प्रॉब्लम एरिया ये है कि जब आप इसकी रीअसेंबली कर रहे थे तो आपने स्टील का स्ट्रक्चर पीछे कड़ा कर दिया और उसी की एक्सटेंशंस स्टील की दे के आपने बिल्डिंग को थामा। तो जहाँ जहाँ वो लोहा और स्टील मौजूद था, यहाँ समंदर में जो नई ताज़ा चेंज आई है कि आपका ओशन वार्मिंग हो गई है ना, मज़ीद ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई है आपके समंदरों में, तो ये जो एक डिग्री और सवा डिग्री की जो आपके ओशंस में गर्मी ज़्यादा हुई है तो उससे बहुत ज़्यादा एवोपोरेशन हो गई, तो आपके यहाँ नमी का तनासुब हवा में बढ़ गया, समंदर के करीब और बढ़ गया है। सही। तो वो जो हवा आ रही है वो जब इमारत को लगती है तो इमारत के अंदर जो जहाँ जहाँ लोहा है वो लोहा उस नमी से गल रहा है, नमी से क्रूयन होना शुरू हो जाती है और उसके बाद आप ऑक्सीडेशन के नतीजे में वो जब फूलता है लोहा तो पत्थर टूटता है, वरना पत्थर का जिगर तो नहीं टूट सकता था। सही। तो उस हवाले से फिर वो हमने उनको ये चीज़ बताई तो उन्होंने कहा कि अब इसका हल क्या करना है, कैसे हो सकता है, या तो हम पूरी बिल्डिंग जो है तोड़ के फिर नहीं बनाएं। तो हमने कहा अब ऐसा तो कर सकते हैं कि अगर ये पूरा इसका स्टील का फैब्रिक जो है वो पूरा नहीं निकाला जाए। मैं अपने नाज़रीन से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कलीमुल्ला लाशारी साहब से मिलकर जितना हमें अच्छा लगा है और जितनी अच्छी इनसे गुफ्तगू हुई है, मुझे यकीन है कि जब आप लोग ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको भी इतना ही अच्छा लगेगा और आप भी इनकी गुफ्तगू से इतना ही ज़्यादा इम्प्रेस होंगे जितना कि हम सब हो रहे हैं। अपने सर थैंक यू सो मच, हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए तामिरात टीवी।